कोविड-19 के खतरे के दौरान अस्पतालों में भी सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है। अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी के मरीजों को ही देखा जा रहा है और जो मरीज फोन के जरिए छोटी मोटी बीमारियों की जानकारी ले रहे हैं उन्हें दवा बताकर अपने पास के मेडिकल स्टोर से लेने की सलाह भी दी जा रही है। अस्पताल में आने वाले किसी भी मरीज में यदि कोरोना के संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें कोरोना के लिए बनाए गए सेंटरों में भेजा जा रहा है। यहाँ जो सीरियस पेशेंट हैं इमरजेंसी वाले सिर्फ उन्हीं पेशेंट को देखा जा रहा है और बाकी जो पेशेंट कॉल कर रहे हैं उनको कॉल पर ही उनको उचित सलाह दी जा रही है, दवा बता दी जा रही है और वो अपना दवा दुकान से लेके खा रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और हर प्रिकॉशन लिया जा रहा है। उनको थर्मल स्कैनिंग करके ही तब हम लोग आगे का उनका इलाज शुरू कर रहे हैं और गंभीर पेशेंट जो भी हैं उनको बहुत प्रिकॉशन के साथ देखा जा रहा है। और उस तरह के कोई पेशेंट अगर आ जाते हैं जिनमें कि उसके लक्षण मालूम होते हैं तो तुरंत उनको उसका संबंधित अस्पताल के लिए रेफर करके उनको भेज दिया जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर आ जाते हैं तो उनको उसके लिए वहाँ उचित जगह पर भेज दिया जाता है। कॉल से भी उनको बताया जा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम है अगर लक्षण बताते हैं तो उसके लिए दवा बता दी जाती है। सिंपल अगर कफ खांसी सर्दी इस टाइप का हल्का लक्षण है, तेज बुखार नहीं है तो दवा बता दी जा रही है, वो लोकल शॉप से मेडिसिन लेके ठीक हो रहे हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।